हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैकनेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। देखिए, हमें अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है अपनी तरफ और यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी लेंथ आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। मैं यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है। डीप नेक है तो डीप नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर रखने हैं 5 इंच और आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। अब हम यहाँ पर चेस्ट का फोर्थ पार्ट ले लेंगे। 32 का फोर्थ पार्ट लेंगे 8 इंच और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन बनाएंगे और बाहर वाली लाइन से ही गोलाई करनी है। कमर का फोर्थ पार्ट ले लेंगे। कमर 26 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है बैक पार्ट के प्लेट्स के लिए। तो देखिए, मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कटिंग कर देंगे। नीचे से भी जो लाइन ड्रॉ की थी हमने उसे भी कट कर लेना है और इसके बाद हम इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मेन फैब्रिक पर मैंने इसे कटिंग कर लिया है। इसके बाद अब हमें गले का मेजरमेंट लेना है। तो नेक वेट तो मैं रख रही हूँ 2 इंच। अगर आप बड़े साइज़ में बना रहे हैं तो आप 2.5 इंच लीजिएगा। गले की लंबाई ली है 9.5 इंच। इस तरीके से मार्किंग यहाँ पर कर लेंगे। 2.75 इंच विड्थ में लिया है, ये देखिए। स्क्वायर एक बॉक्स हमें यहाँ पर बना लेना है और इसके बाद हम यहाँ पर नीचे की तरफ मार्क करेंगे 2 इंच पर और यहाँ भी 2.75 इंच विड्थ में मार्क कर लेंगे। इसके बाद देखिए, अब हमें यहाँ पर इस तरीके से गले का शेप ड्रॉ कर लेना है हल्के हल्के हाथों से। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये शेप बना लिया है। ये नेक हमारा बाहर की तरफ आएगा और अंदर की तरफ इस पर एक अलग से डिज़ाइन हम बनाएंगे। यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप दे देना है हमें। अब इस गले को हमने कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से नेक को हमने अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर कट कर लेना है और ये जो हमने ऊपर की तरफ मार्किंग की थी इसे भी हम कट करके अलग रख लेंगे। अब इसे देखिए मेन फैब्रिक के साथ रख लेना है और जो बीच का पैटर्न निकला है उसके लिए अलग से हम कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक ले लेंगे। तो मैंने इसे यहाँ पर 4 फोल्ड कर लिए हैं, देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर हमारे 2 कपड़े निकल जाएंगे। अगर आप अंदर की तरफ अस्तर लगाना चाहें तो अस्तर भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर गोल्डन फैब्रिक का ही यूज़ कर रही हूँ अंदर की तरफ भी। तो इस तरीके से नीचे से हमें 1 इंच और साइड से भी 1 इंच बढ़ाकर इसे कट कर लेना है और इसे हम पेपर पेस्टिंग पर भी कटिंग करेंगे। तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे पेपर पेस्टिंग पर भी रखकर आपको कट कर लेना है। ये देखिए, पेपर पेस्टिंग पे भी मैंने इसे कटिंग कर लिया है। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को साथ में अटैच कर देना है। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद देखिए, हमें गले के ऊपर सिलाई लगानी है। तो एक पेयर का मार्जिन रखते हुए यहाँ पर सिलाई इस तरीके से लगा लेंगे। तो जो हमने गले का शेप कट किया है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही सिलाई हमें लगानी है इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर सिलाई लगाकर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अब हम इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देंगे। तो इस तरीके से आपको फैब्रिक को कट करना है और पूरे ही गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। देखिए, गला मैंने यहाँ पर कट कर लिया है और इस तरीके से पूरे ही गले के पैटर्न पर कट लगाने हैं हमें। कट लगाने के बाद गले को हम अंदर की तरफ पलट कर सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमें गले को पलट कर सीधा कर लेना है। तो देखिए, बहुत ही अच्छा फिनिशिंग के साथ नेक हमारा पलट गया है यहाँ पर और अब हमने सिलाई लगा देनी है। तो गले के ऊपर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से।
ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा कर इसे कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसे साइड से सिलाई लगा लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ निकल रहा है उसे कटिंग करके निकाल देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को हमें कटिंग कर देना है यहाँ पर। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है, अब इसका जो सेंटर वाला डिज़ाइन है उसे हम रेडी करेंगे। तो देखिए फैब्रिक मैंने लिया है इस तरीके से, और इसके ऊपर रख लेंगे हम पेपर पेस्टिंग। तो इसे ऊपर की तरफ से उल्टा रखना है और पेपर पेस्टिंग को इसके साथ अटैच कर देना है इस तरीके से। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा जो पेपर पेस्टिंग बाहर की तरफ था उसे मैंने कट कर दिया है, और अब इसे पलट कर हमें सीधा करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पैर का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे, उसके बाद छोटे छोटे कट यहाँ पर लगा लेने हैं इस तरीके से, और अब हमने इसे पलट के अंदर की तरफ कर देना है और ऊपर फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से पलट कर सीधा करने के बाद इसे सिलाई लगा कर कंप्लीट कर देंगे साइड से, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है बाहर की तरफ उसे हमने कट कर देना है। अब देखिए स्क्वायर पीसेस लिए हैं मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाने के लिए, और आपको यहाँ पर पट्टी लेनी है सीधी या रेप में कैसी भी आप ले सकते हैं। इसकी हमें डोरी बनानी है, तो इस तरीके से सिलाई लगा कर एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके हमें यहाँ पर इसे पलट कर सीधा करना है। तो सुई धागे की मदद से आप इस डोरी को पलट कर सीधा कर लें। ये देखिए इस तरीके से मैंने डोरी को पलट करके सीधा कर लिया है, और इसके छोटे छोटे पीसेस हमें कट कर लेने हैं, और इसके लूप बनाकर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको लूप बनाने हैं और यहाँ पर अटैच करना है, और जो स्क्वायर पीसेस हमने लिए हैं उसे भी हमें ट्रायंगल में फोल्ड करते हुए यहाँ पर अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये जो ऊपर की तरफ नेक है हमारा, वहाँ पर हम ये डिज़ाइन बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पर इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करके निकाल देना है, और इसके बाद हम इसके ऊपर लगा लेंगे लेस। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी के साथ हमारा ये जो पैटर्न है वो बन करके रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने ब्लाउज पर अटैच करेंगे। तो पहले आपको इसे अच्छे से यहाँ पर बराबर करके रख लेना है और पिन लगानी है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसे पिन से अटैच कर दिया है, उसके बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए सिलाई लगाकर इसे पक्का कर देना है, और इसके बाद हम यहाँ पर लेस अटैच कर देंगे गले के ऊपर, और ये जो डिज़ाइन का शेप बना हुआ है यहाँ पर आपको देखिए प्लेट्स डालते हुए लेस को अटैच करना है, ताकि जो गले का शेप है वो बिल्कुल बराबर से दिखे। गले के दूसरे कॉर्नर पर भी हमें लेस लगा, यहाँ पर लेस के दूसरे कॉर्नर पर भी सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। अब हम यहाँ पर सेंटर से कपड़े को, सेंटर से थोड़ी दूरी पे कपड़े को फोल्ड करना है, और दोनों ही तरफ 4 इंच की लंबाई में आपको प्लेट्स लगानी है। प्लेट्स लगाने के बाद नीचे की तरफ कमर पट्टी अटैच कर देंगे। नीचे से 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी लगानी है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेंगे, और अब हम कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब ये जो ऊपर की डिज़ाइन बनाई थी हमने, वहाँ पर लगाने के लिए छोटे और बड़े मोती लेने हैं आपको। तो ये जो ट्रायंगल बनाए हैं इन पे हम लगाएंगे छोटे साइज़ के मोती, और बड़े साइज़ के जो मोती है वो हमने जो लूप अटैच करे हैं उसके ऊपर लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें लगाना है, पूरे ही पैटर्न के ऊपर हम इसी तरीके से मोती अटैच कर देंगे।
सुई में आपको 4 फोल्ड करके धागा लेना है ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए हमारे जो डिज़ाइन है और मोती निकले ना। तो पूरे पैटर्न को मैं इसी तरीके से आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ और ये डिज़ाइन हमारा बन करके रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं मंदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बैक नेक डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। तो देखिए, मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को देखिए इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे यहाँ पर और टोटल लेंथ लेंगे। तो जितनी भी लेंथ आपको अपने ब्लाउज़ की तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से देखिए कपड़े को सीधा कर लिया है। अब हमें यहाँ पर टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी भी आप तैयार रखना चाहते हैं उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर लेना है। मैंने टोटल लेंथ रखी है 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग देखिए हम यहाँ पर शोल्डर लेंगे 5 इंच, यहाँ से भी 5 इंच में मार्क करेंगे और आर्म होल लेने हैं 5.25 इंच। इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए, हमें चेस्ट का चौथा भाग यहाँ से लेना है। चेस्ट का चौथा भाग लूँगी मैं 8 इंच और 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन। मार्जिन आप 2 इंच का भी ले सकते हैं। 1/2 इंच इस तरीके से बाहर की तरफ करते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और बाहर वाली लाइन से ही आपको आर्म होल की गोलाई देनी है। कमर का चौथा भाग लेंगे, कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग होगा 6.5 इंच। 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ पर बैक पार्ट की जो गहराई करेंगे वो 1.25 इंच पर देंगे। तो इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। अच्छे से यहाँ पर गोलाई देने के बाद अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को हमने इस तरीके से कट कर लेना है। अब मैं इसे मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लूँगी। तो मेन फैब्रिक पर भी मैंने इसे कटिंग कर लिया है और अब हमें गले की विड्थ की मार्किंग करनी है। तो नेक विड्थ ली है मैंने यहाँ पर 2 इंच और गले की टोटल लंबाई ली है 9.5 इंच। गले की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। नीचे से नेक विड्थ ली है मैंने 3 इंच। तो देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। स्क्वायर यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे, फिर उसके अंदर हमें गले का शेप देखिए इस तरीके से ड्रॉ करना है। हल्के हल्के हाथों से गले का शेप हम यहाँ पर इस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से गले का शेप ड्रॉ करने के बाद अब हमने इसे कट करना है। तो गले को इस तरीके से कट कर लेंगे और बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से इस गले की डिज़ाइन हम बनाएंगे। ये देखिए, गले को मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो मेन फैब्रिक को सीधा रखना है क्योंकि हम इसे सिलाई लगाकर पलट देंगे। तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर के साथ इसे अटैच करते हुए हमें पिन लगा लेनी है ताकि स्टिचिंग करते समय ये बिल्कुल भी हिले ना। और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो देखिए, यहाँ पर गले के ऊपर हमें एक पैर का मार्जिन देते हुए सिलाई लगानी है इस तरीके से।
फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही सिंपल और इजी नेक डिज़ाइन है ये। ये देखिए मेरा मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का कपड़ा है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। सबसे पहले देखिए एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से हम कपड़े को सीधा कर लेंगे, उसके बाद हम टोटल लेंथ लेंगे। तो जितनी भी लंबाई आपको अपने ब्लाउज की तैयार रखनी है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच। 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। डीप नेक के अकॉर्डिंग हम शोल्डर एंड आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। तो शोल्डर लिए हैं मैंने यहाँ पर 5.5 इंच, यहाँ से भी 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल लेने हैं 4.25 इंच। इस तरीके से हमने शोल्डर एंड आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पर हम चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे। चेस्ट का 4th भाग होगा यहाँ पर 9 इंच और 1.5 इंच का मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी रख सकते हैं। 1/2 इंच बाहर की तरफ इस तरीके से लेते हुए आपको तिरछी लाइन बनानी है और बाहर वाली लाइन से ही आर्म होल की गोलाई दीजिएगा। तो ये मार्किंग देखिए मैंने इस तरीके से कर दी है। इसके बाद कमर का मेजरमेंट लेंगे। कमर है यहाँ पर 30 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है कमर की प्लेट्स के लिए। मार्किंग कंप्लीट करने के बाद अब हमने इसे कट कर लेना है इस तरीके से। तो देखिए बैक पार्ट मैंने कटिंग कर दिया है, इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी कट कर लिया है। इसके बाद लूंगी मैं गले का मेजरमेंट। तो नेक विड्थ रखनी है हमें यहाँ पर, नेक की जो विड्थ है वो रख रही हूँ मैं 3 इंच। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच ही लीजिएगा। गले की लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 11 इंच, नीचे से नेक विड्थ लिया है 3.5 इंच और इस तरीके से हमें यहाँ पर चकोर एक बॉक्स बना लेना है और 5 शेप में यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो मैंने इस गले को ब्रॉड रखा है, मतलब कि ज़्यादा चौड़ाई में से ज़्यादा रखा है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको गले की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ही लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से गले की मार्किंग करते हुए कट कर लेना है इसे। तो ये गला मेरा कटिंग हो गया है। इसके बाद मैं ले रही हूँ पेपर पेस्टिंग। पेपर पेस्टिंग पे हमने गले को इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। बाहर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। ये देखिए पेपर पेस्टिंग पे मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अस्तर वाला एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है और उसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर देना है। इसके बाद अब हमने यहाँ पर दोनों पार्ट को अच्छे से रख लेना है। नीचे मेन कपड़े को रखना है, ऊपर अस्तर वाले कपड़े को रख लेंगे। इस तरीके से पिन लगा देंगे और अब हमने सिलाई लगानी है। तो कॉर्नर की एक सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक और अस्तर के कपड़े को अटैच करेंगे। पहले हमें गले के ऊपर ही सिलाई लगानी है। नेक के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है। इसके बाद हमने नीचे चारों तरफ से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देना है। बाहर की सिलाई लगाते समय आप हाथ से फिनिशिंग करते जाएं ताकि इसके अंदर कोई भी सल या क्रीज बिल्कुल भी ना आए। ये देखिए इस तरीके से फिनिशिंग के साथ मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमें पूरा ही एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करके निकाल देना है। मेन फैब्रिक को हमने अस्तर के बराबर से कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर दिया है और अब मैं पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट यहाँ पर तैयार करूँगी। तो एक कॉर्नर की सिलाई लगाते हुए हमने इसे इस तरीके से अटैच कर देना है। रफ स्टिच लगाकर पेपर पेस्टिंग और अस्तर के कपड़े को मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। इसके बाद मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कर रही हूँ कटिंग। इस तरीके से हमने एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर देना है और इसे फोल्ड कर लेंगे। साइड में छोटे छोटे कट लगा दिए हैं ताकि ईजीली ये फोल्ड हो जाए। इसके बाद हमने इसे फोल्ड कर देना है इस तरीके से। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे फोल्ड कर दिया है और इसके बाद पेपर पेस्टिंग वाले पार्ट को हमने नीचे की तरफ रख लेना है और इस तरीके से दोनों तरफ से बराबर करते हुए पिन के साथ हमने इसे अटैच कर देना है। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए हमने इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। ये जो पेपर पेस्टिंग वाला पार्ट है यहाँ पर हमने इसे कट करना है इस तरीके से।
और पूरे ही नेक के ऊपर हमने छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। कट इस तरीके से हम लगा लेंगे ताकि इजीली ये फोल्ड हो जाए। अब हमें एक सिलाई अस्तर वाले कपड़े को इस तरफ करते हुए लगानी है, नीचे से मार्जिन को भी अस्तर वाली पार्ट की तरफ रखना है और इस तरीके से सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। इसके बाद अब हमने इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से। एक सिलाई देखिए ऊपर फिनिशिंग की हमने इस तरीके से लगा ली है और नेक हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हो गया है। इसके बाद हमने प्लेट्स लगानी है, तो सेंटर से फैब्रिक को फोल्ड करना है और 4 इंच की लंबाई में हमें प्लेट्स लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ से भी प्लेट्स अटैच करनी है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ नीचे की तरफ कमर पट्टी, तो नीचे से हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए कमर पट्टी को अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है इस तरीके से। अब हमने कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो ये बैक पार्ट हमारा बिल्कुल बनके रेडी हो गया है। एक डिज़ाइन तैयार करेंगे जो हम नेक के ऊपर लगाएंगे। तो उसे तैयार करने के लिए जो मैंने फैब्रिक लिया है यहाँ पर, इसकी जो लेंथ है वो है 10 इंच और ये विड्थ में है लगभग 13 इंच, 12 से 13 इंच तक आप फैब्रिक ले सकते हैं विड्थ में। और इसे डबल फोल्ड करके एक सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। इस फैब्रिक को पलट के हम सीधा कर लेंगे और इस तरीके से रखते हुए हमें सेंटर में इसके प्लेट्स डालनी है। तो इसे आपको बो का लुक दे देना है और इस तरीके से यहाँ पर प्लेट्स डाल देनी है। ये देखिए प्लेट्स लगा लेने के बाद अब हमने यहाँ पर अच्छे से इसे फिनिशिंग दे देनी है। इसके बाद एक पट्टी तैयार करेंगे, तो इसे पलट के हम सीधा करेंगे और इस पट्टी को सेंटर में अटैच कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपको इसे उल्टा लगाना है ताकि पलट के ये पट्टी सीधा कर लेंगे हम इसे। जॉइंट जो है इसका वो अंदर की तरफ चला जाएगा इस तरीके से रखते हुए। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और इस पट्टी को आपको इस तरीके से निकाल लेना है, ये देखिए, और इसके ऊपर अच्छे से सेट कर देना है। अगर लूज़ होती है तो आप सुई धागे से इसे टक करके पक्का कर सकते हैं। अब इसे हम अपने ब्लाउज़ के ऊपर अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इसे इस तरीके से रख लेना है और ऊपर से थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए आपको यहाँ पर आप 1.5 से 2 इंच का ऊपर गैप छोड़ते हुए ये दोनों तरफ से इसे पिन लगा लें अच्छे से सेंटर से और अब इसे सिलाई लगा कर पक्का कर दें। इसी तरीके से हमने साइड से भी इसे सिलाई लगा कर पक्का कर देना है। और इसी के साथ हमारा ये जो नेक डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देंगे दोनों तरफ से। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज़ का बोट नेक का बहुत ही सुंदर सा बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सिंपल और ईजी तरीके से। तो देखिए मैन फैब्रिक है मेरा और ये अस्तर का कपड़ा है। तो देखिए इसमें जो मेजरमेंट लेंगे हम वो बोट नेक के अकॉर्डिंग लेंगे क्योंकि बोट नेक का डिज़ाइन है। तो सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखना है अस्तर के कपड़े को। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिएगा। मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रख रही हूँ 14 इंच, 13 इंच लेंथ मुझे तैयार रखनी है इसकी। और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, तो बोट नेक के अकॉर्डिंग 32 साइज़ में शोल्डर का मेजरमेंट हम रखेंगे यहाँ पर 6.5 इंच, 6.5 इंच। और इतना ही हमें आर्म होल लेना है 6.5 इंच। ये देखिए इस तरीके से आर्म होल की लाइन यहाँ पर मार्क कर लेंगे। चेस्ट का 4th पार्ट ले लेंगे, चेस्ट है यहाँ पर 32 का 4th पार्ट ले लेंगे हम। यहाँ पर देखिए चेस्ट का 4th पार्ट लिया है 8 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। और आर्म होल की गोलाई दे दी है मैंने 1 इंच पर। कमर का 4th पार्ट ले लेंगे, कमर है यहाँ पर 26 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 6.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। तो देखिए मेरी मार्किंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अब हम इसे कर देंगे कटिंग। ये देखिए इस तरीके से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है।
बैक पार्ट को कट करने के बाद इसे मेन फैब्रिक पर रखकर भी हमें कटिंग कर लेना है। नीचे से भी इसे कटिंग करके सीधा कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर हाफ इंच का शोल्डर को डाउन कर देना है। तो पहले मैं यहाँ पर लाइन बना रही हूँ, उसके बाद इसे डाउन कर देंगे। हाफ इंच हमें बोट नेक ब्लाउज में शोल्डर को डाउन करना होता है। अब हम गले का मेजरमेंट ले लेंगे। तो गले का जो मेजरमेंट है, यहाँ पर गले की विड्थ रख रही हूँ मैं 4 इंच, गले की चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है, तो उसकी लंबाई मैं रखूँगी यहाँ पर 2.5 इंच, 2.5 इंच। और इस तरीके से हम गले को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमें 3 इंच पर एक मार्क कर लेना है, 2.5 से 3 इंच पर लेंथ में, उतना गैप छोड़ते हुए विड्थ में 4 इंच पर मार्क कर लेंगे। एक बॉक्स बना लेना है। अब आपको टोटल लेंथ ले लेनी है, तो जितना भी आप लंबाई में रखना चाहते हैं आप 11 इंच ले सकते हैं, 12 इंच ले सकते हैं या 10 इंच भी ले सकते हैं। मैंने रखा है यहाँ पर 11 इंच। और इस तरीके से देखिए अब हम एक बॉक्स तैयार कर लेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर शेप दे देना है हमें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 1 इंच पर शेप दे दूँगी, आप चाहे तो 1.5 इंच पर भी दे सकते हैं, मैंने 1 इंच पर दिया है। 1 इंच पर विड्थ में मार्क करने के बाद एक लाइन बना लेंगे हम इस तरीके से, और यहाँ पर शेप दे देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं नीचे की तरफ 5 शेप बना रही हूँ इस तरीके से अच्छे से। अगर एक बार में शेप बराबर नहीं आता है तो आप दोबारा से दे सकते हैं यहाँ पर शेप को। और अब हमने क्या करना है, सेम मार्किंग हमें पेपर पेस्टिंग पर भी कर लेनी है। तो ये हमारा पेपर पेस्टिंग है, इस तरीके से देखिए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो गले की विड्थ रखी है 4 इंच, गले की लंबाई ऊपर की तरफ ली है 2.5 इंच। बोट नेक का शेप हमें यहाँ पर इस तरीके से दे देना है। यहाँ पर विड्थ में मार्क कर ले, पहले 2.5 इंच पर, 2.5 इंच पर लेंथ में मार्क किया है, फिर 1 इंच पर विड्थ में मार्क करेंगे दोनों तरफ से, ऊपर और नीचे की तरफ से। तो एक इतना गैप हमें छोड़ देना है। यहाँ पर हम डोरी की डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद टोटल लेंथ ले लीजिएगा, मैं यहाँ पर 11 इंच पर रख रही हूँ। नीचे से यहाँ पर गले की विड्थ रखेंगे 4 इंच। तो मैंने यहाँ पर मीडियम नेक ही रखा है, आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई जो है गले की वो बढ़ा सकते हैं। बोट नेक में आप इस नीचे की तरफ कितना भी ब्रॉड रखेंगे आपका शोल्डर नहीं उतरेगा। बोट नेक ब्लाउज बनाने में एक यही फायदा होता है कि इसमें आपका शोल्डर जो है वो डाउन नहीं होता है अगर आप अच्छे से गले को बनाएंगे। तो ये शेप हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है, साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए मार्क कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने मार्किंग कर ली है, और अब इसे कटिंग करना है। तो इस तरीके से आप गले की कटिंग कर लीजिएगा। और ये जो नेक है मैं आपको बताना चाहूँगी, बनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है, सिंपल और सोबर लुक आता है इस गले का, और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश भी लगता है। तो आजकल इस तरीके के जो गले हैं वो बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिएगा अब हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली है।